बिना प्राइस देके खरीद पाऊंगा। ले जा भाई ले जा, कितने भी जा ले जा, तो कितनी जल्दी लग रही थी अगला बार। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। और सुबह सुबह अपना आज नहा धो के तैयार हो गया भाई, कभी ये सोचना ना रखा, नहा लिया मैं पहले ही और अभी अपना खा रहे हलवा क्योंकि आज अमावस थे ना तो हलवा बनाया था। तो गाइस मैं बाहर बैठा था और मम्मी को लेके आ गया और अभी देखो ये तितली आई थी उड़ती उड़ती, मैं सोचा ये उड़ती उड़ जाए भाई, ये हवा के साथ उड़ती उड़ जाए, वैसे मुर्गी बेचारी आ रही है, मुर्गी शायद मुर्गी ने मरी पड़ी है भाई। बाकी देखो कितनी प्यारी थी, कोई नहीं भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, इसको उड़ा के आते हैं। मैं तो सोचा उड़ते आई है पर ये तो हवा से उड़ के आई थी। लो भाई उड़ा दो इसको, जाओ भाई जा, गई भाई उड़ जाएगी शांति दे। और लो भाई रेलिंग वगैरह भी लगवा दिया, एंटर ना तो खींच के काम चल रहा है भाई। और क्या ज़बरदस्त धूप हो रखी है, बहुत ज़ोर की धूप है, बाहर थोड़ी देर बैठते ही सुबह तो सर्दी लगती है और इस टाइम पर गर्मी लगनी शुरू हो जाए। तो काम चल रहा है अभी, लंच वगैरह किया नहीं है अभी और स्कूल की छुट्टी होगी भाई बच्चों की, बेस मौसम की। चलो एक बार मार्केट में फिर जाना है, कुछ काम है, फिर आके मिलते हैं। तो गाइस अभी आया था एक बार मार्केट में कुछ सामान लेने और ये अपनी चरखेदारी सर के अनाज मंडी पीछे कर लेते हैं, स्पेस है ना इतना कि यहाँ से मुड़ जा, मुड़ तो देता फिर मैं छोड़ पीछे से बैक करके बढ़ लें। तो ये अनाज मंडी यहाँ से सामान लेना था वो ले लिया, आ जाएगा वो, ऑर्डर कर दिया अभी घर पर पहुँचा देंगे। तो फिलहाल अभी चलते हैं घर पर और अभी तक लंच नहीं आएगा। और टाइम बताऊँ क्या हो गया, टाइम भाई 3:15 हो गए और खाना वगैरह खाया नहीं है। तो फिलहाल चलते हैं घर पे और चल के खाना खाते हैं, सबसे पहले तो भूख लगी है और छाले से बोला भी नहीं जा रहा ज़्यादा, तो चलो घर पे चलते हैं फिर मिलते हैं। करवा दी वो आपके लिए कुछ तो सामान दर्ज उसमें दर जाओ, सामान तो उसमें रखा रहेगा। चलो दूध ले आए भाई और अभी चलते थोड़ा घूम के आते हैं यार। और एक तो बोला ही नहीं जा रहा बिल्कुल, छाला सा इतना दर्द हो रहा है, खुल जा भाई। तो गाइस टाइम हो गया 6:45 और अभी चलते हैं थोड़ा घूम के आते हैं, दोस्त के पास चलते हैं और दोस्त कह रहा था एक बार आज ही हो इधर उधर, थोड़ा चलते हैं घूम के आएंगे मार्केट में। और आज सामने वाले बच्चे कहाँ पर गए पता नहीं, कोई रोला रखता नहीं भाई, सब चुप गए हो गए। तो चलो चलते हैं और दोस्त के पास जाके मिलते हैं अभी। चलो पहुँच गए भाई दोस्त का घर पर, बैठा दोस्त ना मिल रहा, अरे कितने गया। और वो देखो रुक के ऊपर खड़ा भाई, वो देखो आग चमक रही ना, देख रहे नीचे देख रहे हैं। और इसने एक बुला लूँगा ना बाज क्या होगा, पर इसको नहीं बुलाते, दोस्त को बुलाते। हबीबी हबीबी कम टू दुबई, बाहर गया वो ना आ जा। तो गाइस अभी मार्केट में आए थे थोड़ा घूमना फिरना है और दोस्त को कुछ सामान चाहिए था तो वो लेने आया था, तो अभी सामान लेके चलते हैं, थोड़ी देर दोस्त के घर पर बैठेंगे और फिर करेंगे थोड़ा बातचीत और फिर बाद में मिलेंगे। और कमल वगैरह है भाई यहाँ पे, गुप्ता साड़ी है उस पर ले लो किसी को लेने हो तो बहुत कुछ है, बेच डालो सबको और इनके पैसे मेरे खाते में डाल लो। तो चलो भाई अभी बाद में मिलते हैं घर पे चले के बाद में। भाई ये बीट गाड़ी देख रहे हो, इस अंकल को खड़े हुए पता नहीं कितना टाइम हो गया और ये जाने की कोशिश कर रहा है पर इसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही अंकल की, तो ये कहाँ पे जाए। जाने की कोशिश तो पूरी है बट गाड़ी स्टार्ट ना होगी देरी, 10 बार नेशनल मार लिया फिर मार लिया भाई, देख लो आवाज़ आई ट्रेन आ गई भाई, आवाज़ आई हो चाहे ना आई हो ट्रेन आ गई, ये तो जाएगा नहीं ट्रेन आ गई पिछाड़ की आ गई होगी। चलो तो गाइस चलते हैं अभी घर पे, बस दोस्त के घर से निकल लिया और एक डैक बजाता हूँ भाई, उड़ उड़ गाड़ी हम भी घुंडा मुंडा डैक बजाऊँ भाई सब। चलो घर पे चलते हैं और उससे पहले अपने को एक बार कुछ सामान भी लेना है तो एक बार दुकान पे रुकेंगे और फिर डायरेक्ट घर पे। ओ क्या ठंडी ठंडी हवा भैया, क्या कितना ठंडा मौसम है,
चिराग से और मिल जाए। चिराग है आजा मखा क्या हाल है जमाने यो अपना जमाना भाई। बस जवान में बुढ़ा प्यार हुआ अलग बात है, कोई दिक्कत ना है, जवान हो जाओ फिर तो कॉम्प्लेन वगैरह पिया कर खिंच जाओ काम में। 7 बजे ब्रेड लेनी थी, ब्रेड भी ले ली, ताज़ा होगी, ताज़ा ही है। डेट देख लेते हैं भाई, 28/11/22 योर दुबई, ठीक है। लो इसको डाल देते हैं, और एक टॉफी ले ली अपने लिए, और टाइम हो गया भाई, टाइम दिखाता हूँ अभी, रुको 7:30 और चलो। ओहो चार्जिंग वाली स्कूटी हमसे तेज जा रही है, ऐसे कैसे, क्योंकि हम 19-20 की स्पीड पे ही जा रहे हैं भैया। इसकी स्पीड मैक्सिमम 35 होगी, देखो साइड का, हाँ ये 35 ही है, क्योंकि 30-35 इतना थोड़ा आगे भी चल रहे हैं, इतना ही फर्क है। बट ठीक है, इसमें कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, इसमें हॉर्न ना हो ना तो किसी ना किसी अंदर ठोक ही दे भाई। अरे देखो भैया क्या स्कूटी चला रहे हो भैया, सर्दी बहुत हो गई भाई, सर्दी उमा, क्या कभी मैं इसको बिना धोखे बिना प्राइस देके खरीद पाऊंगा। ले जा भाई ले जा, कितने भी जाओ ले जा, तो कितनी जल्दी लग रही थी अगला का तब ले जाओ भाई, हम तो रहने जाऊँगा, कोई दिक्कत ना है, बहुत ही मंदे मंदे जाएंगे भाई हम तो। अल्टो ले रहा भाई, अल्टो ले, कितनी स्पीड, कोई बड़ी गाड़ी हो तो भी मैं समझूँ। ओहो भाई साहब गोली बना रखी है उसने तो गाड़ी की, कोई नहीं चलो अभी घर पे चलते हैं भाई, घर पे चल के पहुँच के मिलते हैं और जी के सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आ गया भैया। चलो भाई रात का टाइम हो गया 12 बजे और सभी सो गए, मम्मी पापा भी सो गए, मम्मी पापा जो सारे सो गए, आस पड़ोस भी सभी सो गए हुए, और मुझे अभी नींद नहीं आ रही। मैं अपना वो लोग एडिट कर रहा था तो वो लोग एडिट हो गया, टाइम देख लो 12 बज गए। बाकी मैं थोड़ी देर अभी अपना काम ही करूँगा यार, ऑनलाइन मतलब कुछ देख रहा हूँ, कुछ सीखा तो मतलब बताऊँगा अगर हो जाएगा ना तो, आप कैसे कैसे पैसे भी कमा सकते हो ऑनलाइन, एक मतलब कोई ब्लॉगिंग वगैरह करके आर्टिकल वगैरह बना के पैसे कमा सकते हो अगर आपको अगर आता है ब्लॉग बनाना। क्या थे मतलब, वो आप आर्टिकल देखते हो ना जो भी गूगल पे, वो वही ब्लॉगिंग होती है, और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लो। बाकी आप वेब स्टोरेज से भी पैसे कमा सकते हो, वेब स्टोरी क्या है, वेब स्टोरी जो अब गूगल पे एज ए स्टोरी चलती है ना, जैसे इंस्टाग्राम और इन पे रील्स वगैरह आती है, वैसे ही अब गूगल ने लॉन्च कर रखे हैं स्टोरीज, वो स्टोरीज आती हैं वही वेब स्टोरी होती है भाई, तो उनके बारे में भी सीखो और उनसे भी पैसे कमाए जाते हैं काफ़ी, तो आप देखो। बाकी अभी
करते हैं अपना व्लॉग का एंड, और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।